चलो मिलो प्रसाद लो। अरे वाह, अरे प्रसाद से मुझे एक चीज याद आई, बैठा इधर तुझे एक बताती हूँ। तूने एक न्यूज सुना है क्या? कौन सी न्यूज? अरे मैंने न्यूज में देखा है कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ना, वहाँ पर घोटाला हुआ है कुछ। मतलब जो प्रसाद देते हैं ना भगवान जी का, जो लड्डू बनता है, उसके अंदर है ना बीफ की चर्बी का ऑयल यूज किया जा रहा है, पिग के चर्बी का ऑयल यूज किया जा रहा है, एंड फिश का ऑयल यूज किया जा रहा है। जो कि वही लड्डू जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना, राम जी का मंदिर बनाया वहां पर, वहां भी लड्डू गया था। बाप रे, कितनी सोचने वाली बात है ना ये। क्या छोड़ ना, मुझे तो नहीं पता। अरे कैसे छोड़े सुषमा, थोड़ा सा दिमाग लगा। तू बाहर जाती है खाना खाने के लिए, तू शुद्ध शाकाहारी है कि नहीं? है ना। तो तुझे खाना खाना होता तू 10 रेस्टोरेंट को स्किप करती है। क्यों? क्योंकि तुझे वहां पर नॉनवेज और वेज साथ में मिल रहा है खाने के लिए। तेरे दिल में एक शंका रहती है कि अरे मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्यों? अगर मैं खाऊंगी भी तो यहाँ पर बर्तन सेम तो यूज नहीं हो रहा है। तो तू 10 जगह ऐसे जाती है ताकि तेरा धर्म भ्रष्ट ना हो। तो सोच कितने लोगों का ऐसे धर्म भ्रष्ट हो गया है ये लड्डू के वजह से। लड्डू असल में कैसे बनना चाहिए? शुद्ध घी का बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? राम 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 राम, बहुत ही गलत बात है। तो मैं यही चाहूँगी कि भाई अगर ये चीज़ें हुई है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये घोटाला कर रहा है, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। दूसरा, अगर ये फेक न्यूज़ है, जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोलती है? बराबर, राइट। अरे वाह शबनम, तुमने तो बहुत ही अच्छी बात बोली है। तुम्हारा सम्मान होना चाहिए ये बात के लिए, पता है तुम्हें? थैंक यू सो मच। अरे कहाँ जा रही हो? एक मिनट में कुछ लेके आते हो। क्या लेने जा रही हो ये? अरे इस बात पे ना तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, पता है तुम्हें? Thank you.